हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इट के एक और नए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम का टॉपिक 2। तो हम छोटा सा रिकैप दे देते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पहला स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम जो डिवाइडेशन था या क्लासिफिकेशन किया गया था किंगडम का, वो क्या था? रॉबर्ट व्हिटेकर ने इस बेसिस पे सेल के स्ट्रक्चर के, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी के और डिफरेंट काइंड्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे उनका क्लासिफिकेशन किया था। हमने एक और क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें इस पूरे प्लांट किंगडम को 3 सिस्टम में डिवाइड किया था। पहला था आर्टिफिशियल, सेकंड नेचुरल और तीसरे के बारे में बात करते हैं तो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था आइस्टर्स क्लासिफिकेशन के बारे में। ये क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा था जिसमें स्टार्ट होता है किंगडम से, और किंगडम कौन से बारे में बात कर रहे थे हम? प्लांटे के बारे में। तो प्लांटे को किंगडम को सब डिवीजन में डिवाइड करा था इंटू 2। एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमी और एक को बोलते हैं फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी मतलब नॉन फ्लावरिंग और सीडलेस प्लांट, मतलब जिसमें सीड्स नहीं होते और जिसमें फ्लावर भी नहीं उगते हैं। सेकंड होता है फेनेरोगेमी, इसमें फ्लावर भी होते हैं और सीड्स भी होते हैं। क्रिप्टोगेमी को 3 में डिवाइड किया गया था, मतलब डिवीजन में डिवाइड किया था। एक था थेलोफाइटा, सेकंड था ब्रायोफाइटा और तीसरा था टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगेमी को भी आगे जाके 1 में और आगे जाके फिर 2 में डिवाइड किया था। पहला था स्पर्मेटोफाइटा और उससे 2 निकलते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी आगे जाके मोनोकोट और डाइकोट में डिवाइड होता है। पर हम जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है एल्गे के बारे में। अब एल्गे किसका डिवीजन है या सब डिवीजन है? थेलोफाइटा का सब डिवीजन है। हमने पढ़ा था थेलोफाइटा को 3 में डिवाइड किया है, एल्गे, फंगाई और लाइकन्स के अंदर। तो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे एल्गे, फंगाई और लाइकन्स के बारे में। तो मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं एल्गे के बारे में। तो एल्गे की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो एल्गे की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। अब बोलोगे फाइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है किसकी स्टडी से? एल्गे से रिलेटेड स्टडी से। अब फाइकोलॉजी भी 2 टर्म से रिलेटेड है, मतलब फाइकोस और लोगोस। फाइकोस मीन्स सीवीड और लोगोस मीन्स स्टडी, मतलब सीवीड्स की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। फ्रिस्ट जो थे उनको फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी बोला जाता है, और एमओपी आयंगर जो थे वो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहलाते हैं। एल्गे जो है वो पिगमेंटेड थेलोफाइट्स है, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ कलर्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो कुछ कलर के दिखते हैं। जैसे कि आप समुद्र के आसपास देख सकते हैं, आप नदी के आसपास देख सकते हैं, जहां पर आपको हरी कलर की काई मिलती है वही कहलाती है एल्गे। उसमें बहुत सारे टाइप्स है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं एल्गे के बारे में। तो डिटेल में जाने से पहले पढ़ते हैं कि एल्गे को भी आगे जाके बहुत सारी चीजों में डिवाइड किया है, मतलब उनके रहन सहन के हिसाब से, मतलब हैबिटेट के हिसाब से उनको अलग कैटेगरी में कहा जाता है। प्लांट बॉडी का जो डिवीजन है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया है। उनका न्यूट्रिशन, पिगमेंट मतलब कलर, उनके रिप्रोडक्टिव स्टेट मतलब वो वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उस पर भी उनको डिवाइड करा है। और आगे जाके उनको और भी चीजों में मतलब क्लासिफिकेशन दिया गया है एल्गे को इनटू ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गे। तो इतना पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक में जिसको बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा एल्गे जहां पर भी रहता होगा, मतलब जो एल्गे है वो जहां रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। अगर कोई एल्गे पानी में रहता है, पानी के हैबिटेट में रहता है, तो उसको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। कोई डेजर्टेड एरिया में, मतलब जहां पर पानी की स्केयरसिटी है, कमी है, तो वहां उनको बोलेंगे ज़ीरोफाइट्स। जहां पर मीडियम हैबिटेट है, मतलब पानी भी है और नॉर्मल कंडीशन रहती है, उसको बोलते हैं मेसोफाइट्स। कोई प्लांट पे रहता है एल्गे तो उसको बोलते हैं एपिफाइट। कोई पत्थरों पे रहता है तो उनको बोलेंगे लिथोफाइट्स। और कोई सॉल्टी एरिया में, मतलब जहां पर सॉइल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का हाई हो जाता है, वहां पर अगर रहता है तो उसको बोलेंगे हेलोफाइट्स। तो ये था डिवीजन हैबिटेट्स का एल्गे के अंदर। और भी होते हैं जैसे एपिजोइक, एपिफाइट्स, बेंथोफाइट्स, फ्लोटिंग एटसेट्रा। एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कहलाते हैं, पर ये जो थे ये मेन 6 पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं प्लांट बॉडी के बारे में। तो प्लांट बॉडी के अंदर भी 2 चीज में डिवाइड करा गया है एल्गे को। फर्स्ट है यूनिसेल्युलर बॉडी और सेकंड आती है मल्टी सेल्युलर। प्लांट बॉडी की जहां तक बात करते हैं तो यूनिसेल्युलर में भी 2 कैटेगरीज आती है, एक होती है फ्लैजिलेटेड और एक होती है नॉन फ्लैजिलेटेड। अब इसका मतलब ये होता है कि किसी के अंदर फ्लैजिला है तो उसको फ्लैजिलेटेड बोलेंगे, नहीं है तो नॉन फ्लैजिलेटेड बोलेंगे। फिर बात करते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड के बारे में या मल्टी न्यूक्लियर के बारे में। तो पहला टॉपिक आता है सिनोबियम। अब ये है क्या? ये एक कॉलोनी है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और सबको अलग अलग काम डिवाइड किया गया रहता है कॉलोनी के अंदर। तो इस टाइप के एल्गे का अगर फॉर्मेशन है तो उसको बोलेंगे सिनोबियम। सेकंड बात करते हैं फिलामेंटस भी होता है, अनब्रांच भी होते हैं और ब्रांच भी होते हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अनब्रांच तरीके से भी हो सकता है और ब्रांच तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं।
नेक्स्ट लास्ट में पैरेन्काइमेटस भी सेल्स आपको प्रेजेंट दिख जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं उल्वा के अंदर आपको सब पैरेन्काइमेटस मिल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट दो टॉपिक के बारे में बात करते हैं एल्गे की, कि डिवीजन न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी किया गया है एल्गे का। तो पहली बात करते हैं न्यूट्रिशन के अंदर तो आता है ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स की बात जहां तक बात करते हैं तो यहां पर ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, मतलब जो सनलाइट से अपनी चीजों को यूज करके, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तो बेसिकली सारे के सारे एल्गेस इसी कंडीशन के अंदर आते हैं या इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। सेकंड बारे में बात करते हैं तो आता है पैरासिटिक फॉर्म, जो बहुत ही कम है या रेयर बोल सकते हैं आप, जिसकी अगर कम्युनिटी से बात की जाए या एल्गे की पूरी कम्युनिटी को देखा जाए तो लगभग उसमें सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ चुनिंदा आपको क्या मिलेंगे, पैरासिटिक फॉर्म में मिलेंगे। पिगमेंट्स की जहां तक बात करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक, पिगमेंट्स का मतलब होता है कि पिगमेंट के कारण एल्गे के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स मिलते हैं। तो पहली बात करते हैं तो क्लोरोफिल एबीसीडी मिलता है, सेकंड कैरोटीनॉइड्स मिलता है और थर्ड फाइकोबिलिंस देखने को मिलते हैं। इसमें होता क्या है, क्लोरोफिल आपको चार कैटेगरी में मिलते हैं, एबीसीडी यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। सेकंड बारे में जहां तक बात करते हैं तो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स के अंदर आपको दो चीज मिलेगी, कैरोटीन और जेंथोफिल। ये करते क्या है, इसमें डोमिनेटिंग पिगमेंट क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, इस पिगमेंट ये वाली पिगमेंट जिस भी एल्गे के अंदर होगी वो बेसिकली ब्राउन डोमिनेटिंग कलर कहलाएगा। लास्ट में आता है फाइकोबिलिंस। फाइकोबिलिंस के अंदर दो चीज होती है, फाइकोसाइनिन और फाइको एरिथ्रिन, ये दो चीजें होती है जिसको हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं, तो यहां पर आता है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एल्गी के अंदर बेसिकली तीन तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो पहला आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसको भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, ट्यूबर्स और गेमे के बारे में। सेकंड आता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का मतलब तो हम समझते ही हैं, मतलब यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स के दोनों की रिक्वायरमेंट होती नहीं है बेसिकली, साथ में कोई एक इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं तो जू स्पोर्ट्स, एंडोस्पोर्ट्स, एक्सोस्पोर्ट्स और मोनोस्पोर्ट्स, इसके कुछ टाइप्स है यानी फ्यूजन के तरीके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमो गैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। यहाँ पर गैमेट्स की बात हो रही है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स की, अगर वो सिमिलर है, मतलब दोनों सेम तरीके के दिखते हैं, सब चीज सेम है, तो उनको कहेंगे होमोगैमेट्स। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक आता है होमोगैमेट्स, जिसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पर अब डिटेल में पढ़ेंगे हेट्रोगैमेट्स के बारे में। हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं, जहां पर डिससिमिलर गैमेट्स आते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स डिफरेंट काइंड के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मेल और फीमेल ह्यूमंस के अंदर देखते हैं तो स्पर्म अलग होता है, ओवम अलग होता है, दोनों की साइज भी अलग होती है, शेप भी अलग होती है, मोर्टिलिटी भी अलग काइंड की होती है। तो उसको हम और डिटेल में नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गे के अंदर। तो यहां पर तीन चीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट आता है आइसोगेमी, सेकंड आता है एनिसोगेमी और तीसरा आता है उगेमी के बारे में। तो आइसोगेमी को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है फ्यूजन मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स का, मतलब यहां पर आप देखोगे तो भी सिमिलर लगेगा, इनका स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे तो भी सिमिलर होगा, इनका जेनेटिक सब्सटेंस देखोगे तो भी बिल्कुल सिमिलर होगा। मतलब देखा जाए तो यहां पर दोनों चीजें सेम टू सेम होती है, मेल की भी और फीमेल की, तो उनको कैटेगराइज किया गया है आइसोगेमी के अंदर। सेकंड बात करते हैं एनिसोगेमी, इसमें आपको मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिससिमिलर मिलेंगे, मतलब फीमेल और मेल दोनों के जो स्ट्रक्चर होंगे वो डिफरेंट होंगे, साइज डिफरेंट होगा, तो उनको किस कैटेगरी में लिया गया, एनिसोगेमी के। उगेमी की बात करें तो यहां पर फ्यूजन होता है मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स का, पर यहां पर जो स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि हम एग और स्पर्म के बारे में बात करते हैं मेल और फीमेल के, तो दोनों के स्ट्रक्चर, फंक्शन, सभी चीज बिल्कुल अलग कैटेगरी की होती है। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। तो एल्गे को यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है क्लोरोफाइसी, सेकंड है फेओफाइसी, तीसरा आता है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को डिवाइड को हम एक और नाम से जानते हैं ग्रीन एल्गे, फेओफाइसी को ब्राउन एल्गे के नाम से और रोडोफाइसी को रेड एल्गे के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन एल्गे करेंगे लेफ्ट से राइट से, एक एक पॉइंट्स पूरा पढ़ते जाएंगे हम, उसको डिटेल में समझते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला है ग्रीन एल्गे, सेकंड है ब्राउन एल्गे और थर्ड है रेड एल्गे। ग्रीन एल्गे को कहते हैं क्लोरोफाइस है, ब्राउन को फेओफाइस है और रेड को बोलते हैं रोडोफाइस है। तो ग्रीन एल्गे बेसिकली मरीन फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, मतलब मीठे पानी के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
और हमेशा लेयर के ऊपर रहता है, मतलब पानी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमको बहुत सारी जगह जहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर हो जाता है, मतलब रुका हुआ पानी रहता है, वहाँ पर ऊपर की साइड में आपको एल्गी देखने को मिल जाता है, मतलब काई। सेकंड बात करते हैं हम ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की, तो बेसिकली ये सब मरीन वाटर मिलते हैं, मतलब समुद्र के पानी में ही देखने को मिलेंगे। ग्रीन एल्गी की बात करें तो यहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होंगे और बहुत सारी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। सेकंड बात करते हैं ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी यूनिसेल्युलर नहीं होते हैं और ये एब्सेंट होते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर इसमें सिंगल सिंगल सेल से प्रेजेंट कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। रोडोफाइसी की जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को आसानी से मिल जाएंगे, पर बहुत चुनिंदा मिलेंगे, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेंगे। क्लोरोफिल की बात करें तो ग्रीन एल्गे में ए और बी टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, ब्राउन एल्गे में ए और सी टाइप के, और रेड एल्गे में आपको ए और डी टाइप का एल्गे मिलेगा, यानी क्लोरोफिल मिलेगा। फूड मटेरियल की बात करते हैं, मतलब किस तरीके का खाना उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो ग्रीन एल्गे में स्टार्च की तरीके से रहता है, ब्राउन में लेमिनारिन के फॉर्म में रहता है, और रेड एल्गे में फ्लोरिडियन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की बात करें, मतलब इसका पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बाहर से किस चीज़ से बनाया है, तो एल्गी का बनता है सेल्यूलोस से, ब्राउन एल्गी का बनता है सेल्यूलोस से और एल्गिन से, और रेड एल्गी का बनता है आपको सेल्यूलोस से और पॉलीसल्फेट ईस्टर से, मतलब तीनों में सेल्यूलोस कॉमन है, बस एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है, ब्राउन में एल्गिन आ जाता है और रेड एल्गी में पॉलीसल्फेट ईस्टर प्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका जो कलर है वो कहाँ से आता है, एक आता है फ्यूकोजेंथिन। ये जो फ्यूकोजेंथिन है क्या करता है, ब्राउन कलर प्रेजेंट करता है। अभी जो ब्राउन कलर प्रेजेंट है क्योंकि ये एब्सेंट होता है ग्रीन एल्गे में, इसीलिए उसका कलर ब्राउन नहीं हो पाता और वो कौन से कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। हम ब्राउन एल्गे की बात करते हैं क्योंकि फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। और ये एब्सेंट होता है रेड एल्गे में, और एक नई चीज प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन। इस फाइकोएरिथ्रिन के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन, तो जू स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गे के अंदर, ब्राउन एल्गे में भी प्रेजेंट होते हैं और रेड एल्गे में बेसिकली एब्सेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स नीचे दे रखे हैं जिसको आप आसानी से स्क्रीन से पढ़ सकते हैं, ग्रीन एल्गे के अंदर भी, ब्राउन एल्गे के अंदर भी और रेड एल्गे के अंदर भी। अब एल्गे की बात करते हैं तो कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग या इससे कुछ निकालने के लिए हमको बहुत सारा इंपॉर्टेंट देता है या मटेरियल को यूज़ करने देता है। तो पहली बात बात करते हैं हम नंबर ऑफ ब्राउन एल्गे के बारे में, मतलब ब्राउन एल्गे की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे देशों में इसको खाया भी जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं लेमिनेरिया और सर्गेसम के बारे में। सेकेंड बात करते हैं, एक रिच सोर्स ऑफ आयोडीन होता है, मतलब फ्यूकस और लेमिनेरिया जो कि एक टाइप का एल्गे है जिससे हम बहुत सारा आयोडीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेमिनेरिया और एस्कोफाइलम, जिसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि मेडिसिन में बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है। और लास्ट में आता है एल्जिनिक एसिड, ये एल्जिनिक एसिड हमको मिलता है फ्यूकस और सर्गेसम से। ये क्या करता है, इमल्शन के रूप में यूज आता है, मतलब पेंट्स को बनाने में बहुत ज्यादा यूज आता है। आशा है कि आपको सारे टॉपिक्स ईजिली समझ में आ रहे होंगे। हम लर्न इट पे आपके लिए ईजी और सिंपल लर्निंग मटेरियल बनाते रहते हैं जिसके कारण आपकी लर्निंग और लिसनिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है या कुछ टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप अपडेटेड रहें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय।